दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राठौर जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल और आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों डीएलएड प्रशिक्षण हेतु 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन का विज्ञापन। दोस्तों विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप यहां पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहां पे दोस्तों इसके ऑनलाइन आवेदन करने के साथ जो आपको यहाँ पर मेरिट निकलेगी उस मेरिट के आधार पर यहाँ एडमिशन किया जाएगा। और एडमिशन के बाद आप जब डीएलएड कम्प्लीट कर लेते हैं दोस्तों तो आपके पास प्राइमरी सेक्शन में या प्राइमरी विद्यालय में शिक्षण कार्य करने हेतु बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल जाता है। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन प्रवेश चयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या यहां दिया हुआ है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 दिनांक 9 सितंबर में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों CTE वाराणसी तथा निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों जिन्हें NCTE के मान्यता प्राप्त है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्मानता प्रदान की गई है। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पढ़कर बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं है। मतलब यह कि जो भी आप फॉर्म भरिएगा, जो भी ऑनलाइन आवेदन करिएगा, सोच समझ कर और अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट की एक एक डिटेल पढ़ने के बाद ही भरिएगा। अदरवाइज़ अगर आपका ऑनलाइन में कोई भी त्रुटि हो जाती है तो उसका कोई भी संशोधन नहीं होगा इस बार। अतः अभ्यर्थियों डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकरण फॉर्म फाइनल सेव होने से पूर्व अपने ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से अवश्य कर लें। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करने के बाद ही आप भरेंगे। दोस्तों ये भी बताएंगे इसमें कि आप यहाँ जो लास्ट डेट है या कब से शुरू हो रहा है वो भी हम जानकारी प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को किसी तरह का आरक्षण देने होगा। यदि कोई भी दूसरी स्टेट से फॉर्म भरना चाहता है तो यहाँ पर दोस्तों उसे अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे ST ही क्यों ना हो, अगर वो फॉर्म भरता है अदर स्टेट का है तो वहाँ पर ये अनारक्षित अनरिजर्व दोस्तों को फाइट करेगा। डीएलएड प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा भी डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के अंतर्गत प्रवेश चयन की कार्यवाही उक्त शासनादेश दिनांक 9/9/2024 से निर्धारित शैक्षिक अर्हता आयु एवं शासनादेश के बिंदु संख्या 11 में अल्पसंख्यक संस्थानों में दिए गए दिशा निर्देशानुसार संपादित कराई जाएगी। दोस्तों जो आपका बिंदु संख्या 11 है इसमें अल्पसंख्यक के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसी के आधार पर आपका यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन आवेदन है शैक्षिक अर्हता आयु योग्यता आवेदन शुल्क चयन एवं मानक अन्य शर्तों सहित सामान्य एवं परिचालन संबंधी तकनीक दिशा निर्देश वेबसाइट https://updlet.gov.in पर यहाँ पर आपको दोस्तों सभी कुछ यहाँ मिल जाएगा। इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म आवेदन शुल्क जमा करने हेतु ICICI बैंक का पेमेंट लिंक एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है। इस हेतु निर्धारित समय निम्नलिखित है। तो दोस्तों अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दें कि कब यहाँ पर आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है और उसकी लास्ट डेट क्या है। तो ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि दोस्तों 18 सितंबर अपराह्न दोपहर से 18 सितंबर को दोपहर से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 9 अक्टूबर है। तो 18 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में आपको अपना फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है और संपूर्ण आवेदन प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है दोस्तों। तो 12 अक्टूबर तक आप अपना जो भी फॉर्म भरेंगे उसके पहले पेमेंट करके सभी डॉक्यूमेंट फिल करके सारे क्राइटेरिया फिल करके फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास जरूर रख लेंगे। ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार एवं विचारणीय नहीं होगा। अनिल भूषण चतुर्वेदी, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से दोस्तों ये विज्ञापन जारी हुआ है। और विज्ञापन का आप जानते हैं यह उत्तर प्रदेश प्रयागराज से शुरू होता है। यहाँ देखिए जो विज्ञापन का एड्रेस है, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश 23 एलनगंज प्रयागराज पिन कोड 211002 पर है दोस्तों। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके updlet.gov.in पर जाके बाकी अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह के इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।